हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो गाइज, इस वीडियो में आपसे स्टूडेंट्स के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। जो अभी पिटीशन फाइल हुई थी नीट के अपोजिशन में कि आंसर शीट गलत दिखाई गई है। जो फाइनल आंसर शीट नीट ने रिलीज़ करी थी वो गलत है, उसमें काफ़ी सारे आंसर गलत है। तो उसमें कल जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ गाइज। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्योर लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। कोई भी हमारी तरफ से अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस, मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है और उसमें क्या लिखा है मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो मंडे को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी इसमें पिटीशन फाइल हुई थी NTA नीट के खिलाफ जो भी हुई थी, तो उसमें हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सेंटर से रिप्लाई मांगा है, रिस्पांस मांगा है कि जो भी नीट में जो आपकी आंसर शीट थी उसमें क्या क्या गड़बड़ी है MBBS और BDS कोर्सेज के लिए, उससे उन्होंने फाइल मांगा है। जस्टिस जयनाथ ने MCI, DCI और DGHS यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ एंड सर्विसेज से भी रिप्लाई मांगा है इस पिटीशन में। और इसकी जो अगली सुनवाई है, नेक्स्ट हियरिंग है, वो जुलाई 4 तारीख को होने वाली है। तो इस देखते हैं कि 4 जुलाई को होता क्या है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें हुआ क्या था। कई सारे बच्चों ने और स्टूडेंट्स ने पेटिशंस फाइल करी थी और इसमें एक ग्रुप था 6 स्टूडेंट्स का। और उन्होंने करियर टॉपर्स जो कोलकाता में हैं उनसे अपनी कोचिंग ली थी। तो गाइज, उन्होंने जो उसके फाउंडर हैं करियर टॉपर्स के, उन्होंने बताया कि आंसर की में एक ही क्वेश्चंस के दो दो करेक्ट आंसर थे, जबकि आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से आपको एक करेक्ट आंसर देना चाहिए जिस पर कि जो स्टूडेंट्स है वो टिक मार्क करे जो उसका आंसर दे। बट कई सारे क्वेश्चंस में दो करेक्ट आंसर दिए हुए थे। तो गाइस, इस वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और इस वजह से पिटिशंस फाइल करी गई। तो गाइस, अब देखना होगा 4 जुलाई 2019 को कि इस पिटिशंस में, इसकी हियरिंग में होता क्या है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ MCC की जो काउंसलिंग है वो 19 जून 2019 से स्टार्ट होने वाली है। तो गाइज़, आप जल्दी से हमारी पुरानी वाली वीडियोस देख के उसका जो भी प्रोसेसर है उसको देख सकते हैं कि क्या करना है। ऐसी गाइज़ अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगा ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आती है आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल आ जाए। और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ताकि ऐसी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएं, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।